बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर 14। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंपल स्पेस जब टू और मोर देन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स में डिवाइडेड हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस A1 से लेकर AN पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड देयर इज सम अदर इवेंट बी विच अकर इन कंजक्शन ऑफ एट लीस्ट टू और मोर इवेंट्स, तो हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन लॉ यूज होता है उसको हम टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे बी, जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी फाइंड करनी है, तो ये क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हम सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बी हमारे पास इन सब पार्ट्स में अकर कर रहा है, ठीक है? तो जो बी के अकर करने की प्रोबेबिलिटी होगी, दैट विल बी समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई into probability of B given AI, where I represent the subscript, part को represent करेगा आपके पास जहां पे भी होगा। अगर A1 है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 to n जितने भी हमारे पास parts में sample space divided है। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास जब यूज होगा, हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में सैंपल स्पेस डिवाइडेड होगी, हमारे पास हर पार्ट की जो जो पार्टीशन हुई हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई ये हमारे पास गिवन होती है, नोन होती है ये प्रोबेबिलिटीज, ठीक है? और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। दिस इज टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हम करेंगे बेस थ्योरम। लेट A1, A2, सो ऑन AN बी ए कलेक्शन ऑफ N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स विद प्रायर प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, देन फॉर एनी अदर इवेंट बी for which probability of B greater than 0, the posterior probability of AI given that B has already been occurred is probability of AI given B is equal to probability of AI into probability of B given AI divided by probability of AI into probability of B given AI plus probability of A2 into probability of B given A2 plus so on plus probability of AN into probability of B given AN, I varies from 1 to N। यहां पे आप देखेंगे हमारे पास बेस थ्योरम और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले हम सिमिलैरिटी देखते हैं दोनों की, कहां पे जो सिचुएशन है वो सेम आ रही है। हमने देखा कि कंडीशन टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कब यूज कर रहे थे, जब सिंपल स्पेस हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है? एंड सम अदर इवेंट वॉज अकरिंग इन कंजक्शन ऑफ दीज पार्ट्स। यहाँ पे भी हमारे पास जो सिंपल स्पेस है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में डिवाइडेड है, एंड सम इवेंट बी इज अकरिंग इन द कंजक्शन ऑफ दीज पार्ट्स। वहां पे हम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कब यूज करें, जब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर रहे थे। यहां पे हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड हो रही है। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट बी फाइंड की, देयर वाज नो कंडीशन। यहां पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी, दैट इज इवेंट बी जिसके बारे में हम कह रहे हैं दैट इवेंट अकर इन कंजक्शन ऑफ एटलीस्ट टू पार्ट्स, वो इवेंट अकर कर चुका है, दैट हैज बीन हैपेंड। अब हमने फाइंड करना ये है कि वो जो बी इवेंट अकर किया है वो
A1 पार्ट से अकर करेगा इसके कितने चांसेस हैं, ठीक है। हम उसकी अकरेंस चूंकि A1 पार्ट से भी हो सकती है, A2 से भी, A3 से भी, A4 से भी, एंड सो ऑन जितने भी पार्ट्स हैं, तो ये फाइंड करना कि जो B अकर कर चुका है वो इस स्पेसिफिक A1 से अकर करेगा, इसके चांसेस क्या है। तो इसके लिए जब हम जो टेक्निक यूज करेंगे दैट इज नोन एज बेस थ्योरम, ठीक है। अगर हम बेस थ्योरम की थोड़ी सी जाएं फॉर्मेशन में, तो हम देखेंगे हमारे पास जब यहां पे हम लिख रहे हैं A1 गिवन B, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A1 इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब जब यहां पे हमारे पास A1 और B क्या है, एंड अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन लॉ है, दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इस पे जब हम रूल अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1, और डिवीजन में हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये जो सिंगल इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, ये हम किससे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग टोटल लॉ। तो यहां पे हम टोटल लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, हमने देखा क्या होता है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटी एड हो जाती है। तो इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 प्लस सो ऑन, जितने भी हमारे पास पार्ट्स होंगे ये आगे मूव करता जाएगा, ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाएगी। अब यहां पे अगर हमने A1 फाइंड करना होगा कि A1 पार्ट से अगर किया, तो यहां पे A1 आ जाएगा ऊपर सबस्क्रिप्ट में, एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, चीजें हमारी थोड़ी क्लियर होने लगेंगी। देर आर थ्री बॉक्सेस ईच कंटेन a different number of light bulbs. The first box has 10 bulbs of which 4 are dead. The second has 6 bulbs of which 1 is dead. And the third box has 8 bulbs of which 3 are dead. If bulb is randomly chosen and is a dead bulb, what is the probability that it is selected from box 2? अगर आप थोड़ा सा अपना प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें, हमने एग्जांपल की थी और उसमें ये क्वेश्चन सिर्फ यहां पे था, यहां तक था, यहां पे एंड हो रहा था। इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन और सिलेक्टेड बल्ब इज ए डेड बल्ब, इस चीज की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। अब हमने क्या करना है, इफ ए बल्ब इज रैंडमली चूजन एंड इज ए डेड बल्ब, अब वो कह रहा है कि हमने रेंडमली चूज किया बल्ब को एंड दैट बल्ब इज अ रेड बल्ब, दिस इज नोन दैट हैज बीन हैपेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 2। हमने ये बताना है कि वो बॉक्स 2 में से सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पे हमारे पास आ जाएगी, हम इसको बाय ट्री डायग्राम करते हैं। हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, मैं इनको B1, B2, B3 कह देती हूँ, B1, B2 एंड B3, ओके। हमारे पास जो बॉक्सेस हैं उनमें दो तरह के बल्ब्स हैं, डेड बल्ब एंड नॉट डेड। डेड बल्ब एंड Not dead bulb, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो probabilities given है, randomly chosen है, हमारे पास जो boxes के occur करने के chances हैं वो क्या है, equally likely है,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री बॉक्सेस हैं, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री एंड वन बाय थ्री। फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास डेड वर्ब्स कितने हैं, फोर, फोर बाय टेन, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगी, सिक्स बाय, सेकंड है सिक्स बल्ब एंड वन इज डेड, वन बाय सिक्स, वन बाय सिक्स। और थर्ड में हमारे पास देर आर एट बल्ब एंड थ्री आर डेड, थ्री बाय एट। ठीक, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स टू। बॉक्स टू को हम किससे रिप्रेजेंट करें, बी टू से, बॉक्स टू। गिवन दैट द बल्ब सिलेक्टेड इज ए डेड बल्ब, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। This is equal to, हम किस तरह से करेंगे, न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सेकेंड ब्रांच की जो प्रोबेबिलिटी है B2 की, क्योंकि हम B2 की फाइंड कर रहे हैं, तो सेकेंड ब्रांच की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ D given B2। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर में क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ D नहीं है बल्कि D given B2 है, dead ball, dead bulb when box 2 is selected। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, probability of, यहां पर मैं लिख देती हूं, probability of B2 into probability of a dead bulb given box 2 is selected। और division में क्या है हमारे पास, probability of D, डिफेक्टिव बल्ब की, बल्ब की प्रोबेबिलिटी। और डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से यहां पे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग टोटल लॉ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री इंटू वन बाय सिक्स डिवाइडेड बाय, आपके पास तीनों ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी, वन बाय थ्री इंटू फोर बाय टेन प्लस वन बाय थ्री इंटू वन बाय सिक्स प्लस वन बाय थ्री इंटू थ्री बाय एट। ठीक है, इसको आप सम करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज probability of selecting a bulb from box 2 when it is a dead ball। ठीक है, probability of B1 given D or probability of B3 given D, ये दोनों आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यू विल कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ्स। दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट, थैंक यू।